So hello YouTube, you know I got this subwoofer a few days ago to make an active subwoofer. So I'm still waiting for the enclosure as I'm not getting time, but I will soon bring the enclosure for it. But for time being, I already brought one amplifier for it. And as this is a Desi amplifier made in India, I will make this video in Hindi. Okay, so मैं एक्चुअली एक प्लेट एम्पलीफायर या फिर बेस ट्यूब एम्पलीफायर जो आ रहे हैं मार्केट में जेनरिक वो लेने की सोच रहा था, लेकिन उसके लिए पावर सप्लाई अलग से लेना पड़ेगा, उसके लिए मतलब पावर सप्लाई लेना पड़ेगा और उसका आरएमएस वेटेज किसी को नहीं पता बिकॉज इट्स अ जेनरिक प्रोडक्ट. सो उस मैं कन्फ्यूजन में था. एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस बार नहीं करना चाहता था बिकॉज आई हैव जस्ट वन सबवूफर एंड दिस इज़ अ स्मॉल रूम, यू कैन सी दिस इज़ माई ऑफिस एंड आई वॉन्टेड समथिंग विच इज़ वेरी स्मॉल एंड स्लिक. ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी मुझे नहीं करनी थी और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी. नहीं तो अगर लिविंग रूम में सेटअप आपने मेरा पहले देखा है, मैंने 1-2 लाख रुपये इन्वेस्ट करके अच्छा सा सेटअप बनाया था, तो अगर लिविंग रूम में होता तो मैं क्राउन एक्सेलेस या फिर कोई भी ब्रांडेड प्रो एम्पलीफायर ले लेता. लेकिन अभी ये छोटा सा सेटअप है और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑक्स से यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर हमेशा ऑन रहता है, उसी से मैं ऑक्स दे देता हूँ. और बहुत ही सिंपलिस्टिक सेटअप मुझे चाहिए था सो दैट मुझे अच्छा डीप लो फ्रिक्वेंसी बेस मिले. दैट वाज माय रिक्वायरमेंट. सो ये सब ऑफर मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका एफएस बहुत लो कम है. 22 हर्ट्स इसका एफएस है. मैं उसको 25 हर्ट्स तक ट्यून करके इसका एनक्लोजर बनाने की सोच रहा हूँ, बिग एस एनक्लोजर, सो दैट डीप रंबलिंग बेस इस रूम में फैल जाए. उसके लिए तो ठीक है, अभी आते ही इस एम्पलीफायर पर मैंने ऑलरेडी इसका अपर कवर निकाल के रखा है. तो एज मैंने निकालते वक्त ही एक चीज़ नोटिस की कि स्क्रूज इसके इनलाइन नहीं थे, मतलब स्क्रूज थोड़े से इंक्लिनेशन में जा रहे थे. सो इंडियन प्रोडक्ट है तो आप उतना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हाँ, एक बात मैं बता दूँ, ये मेरी फ्रेंड की कंपनी है, ये मुझे बाद में पता चला. ठीक है, ये केतन करके मेरा फ्रेंड है, बहुत पुराना फ्रेंड है, जिसने मुझे आइडिया दिया था टू इंस्टॉल सबवूफर्स इन द बेड. आप वो वीडियो देख सकते हो. मैंने कुछ सालों पहले एक प्रो एम्पलीफायर में 2 सबवूफर्स एसपीएल सबवूफर्स मेरे बेड के अंदर इंस्टॉल किए थे. बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था वो, लेकिन वो प्रैक्टिकली मैं नहीं लॉन्ग टर्म तक कर पाया ड्यू टू फैमिली इश्यूज, लेकिन बेड के अंदर मैंने सबवूफर इंस्टॉल किए थे. क्या डीप बेस मिल रहा था और मैं लोएस्ट फ्रिक्वेंसी भी फील कर पाता था, लाइक 10 हर्ट्स, 12 हर्ट्स, 15 हर्ट्स. मस्त सेटअप था. थैंक्स टू केतन फॉर दैट. Now this product is made by Ketan. So let me start reviewing it. So मेरा purpose आपने जान लिया और उस budget में ये बहुत अच्छा है मुझे लगा. वैसे तो मैं देसी चीज़ें बिल्कुल try नहीं करता. मेरे channel पर आप first step देखोगे, something is made in India, I am reviewing. तो मैंने मेरा friend था इसलिए मैंने इस पर भरोसा किया है और let's try. सो ओपन करने के बाद मैंने देखा इसमें तोशिबा के, आई होप यू कैन सी, तोशिबा के 2SC5200 एंड 2SA1943, ये जो PNP NPN का कॉम्बिनेशन है, 150-150 वाट आरएमएस, टोटल 300 वाट आरएमएस का ट्रू वैटेज यहाँ पर ही हमें क्लेम हो गया. ठीक है, तो ये मैंने देखा मेड इन जापान मॉसफेट लगाए गए हैं, मैं बहुत ही खुश हो गया. और एक चीज़, प्योर कॉपर का ट्रांसफार्मर है, आप देख सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है. अगर मुझे ट्रांसफार्मर रेटिंग्स कहाँ से पता चले तो अच्छा होगा, लेकिन मुझे रेटिंग्स कहीं पर दिख नहीं रहे, लेकिन कॉपर का ट्रांसफार्मर है वो तो 100% है. तो ये दो चीज़ें बहुत अच्छी है जो कि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे और कोई भी झूठ मूठ की बात नहीं है. मैं बाकी कंपोनेंट्स आपको क्लोजली दिखा देता हूँ. यूट्यूब पे आपको और कोई वीडियो नहीं मिलेगी जितनी इतनी क्लैरिटी से आपको 4K वीडियो इंटरनल पार्ट की मिलेगी, ऐसी दूसरी कोई वीडियो नहीं है. एक आउटपुट कैपेसिटर है,
सो ये सिंगल चैनल वाला मॉडल है, इसमें ड्यूअल चैनल भी आता है सेम चेसिस में, जिसपे आप दो सबवूफर चला सकते हो, सेम कॉपी ऑफ रेप्लिका ऑफ दिस टू मॉस्फेट्स। लेकिन मेरी ज़रूरत बस सिंगल सबवूफर की थी, और यहाँ पर इतना स्कोप भी नहीं है कि मैं दो सबवूफर लगा लूँ, और अगर इतना बड़ा हेवी एम्प लेना था तो फिर मैं कोई ब्रांडेड लेता, लेकिन वो डील ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। ये 6500 का है, वो आपको 7500 में दो सबवूफर चलाने वाला मॉडल मिलेगा। पीछे से मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो मेड इन इंडिया की थोड़ी सी आपको झलक यहाँ पर मिलेगी, देखो ये फिनिशिंग थोड़ा मतलब प्रिसाइज कट्स नहीं है, ठीक है, दिस इज अ कॉस्मेटिक मैटर, वैसे भी ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर्स इज द रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। वैसे भी एम्पलीफायर इज अ नॉट अ शो पीस। तो आप देख सकते हो ये और एक सबवूफर का आपको ये दिख रहा है, दैट इज बिकॉज सेम चेसिस इज यूज फॉर बोथ ऑफ द एम्पलीफायर्स। तो अगर आप वो मॉडल लोगे तो वो ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड करेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मुझे ये ट्राई करना था और आपके लिए ऑनेस्ट एक ओपिनियन देना था, इसीलिए मैंने प्रोडक्ट बाय किया है। तो अभी चलते हैं, मैं इसको ऑन करता हूँ। ओके, ट्रांसफार्मर ऑन हो गया, थोड़ा सा कट करके एक नॉइज़ आता है स्विच ऑन रिले का। अभी मैंने सेल फोन कनेक्ट किया है और क्रॉस ओवर आप देख सकते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्रॉस ओवर है इसमें, गेन लेवल कंट्रोल है, और ऑडियो जैक इनपुट और आउटपुट दोनों भी है। तो मुझे हाई लेवल इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, हाई लेवल इनपुट आप अगर इस सबवूफर आउट से लोगे, समझो कोई भी होम थिएटर है आपके पास, तो उससे अगर आप हाई लेवल इनपुट लोगे तो इनबिल्ट कंपनी उसको बनाते वक्त ही एचपीएफ सेट करके देती है, उसमें क्रॉस ओवर रहता है कि वो 30-25 हर्ट्ज से, मतलब 30 हर्ट्ज से आसपास, उसके नीचे जाइए ना, नहीं तो फिर आपका सबवूफर ब्लो हो जाएगा, क्योंकि उनको उनके सबवूफर की कैपेबिलिटी पता है कि बिलो 25 हर्ट्स हमारा सबवूफर बॉटम आउट होता है, इसीलिए वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लगा देते हैं। दैट्स वाई यू कैन नॉट एन्जॉय द लो फ्रिक्वेंसी बेस विच यू आर लुकिंग फॉर। उससे अच्छा है कि डायरेक्ट आप इनपुट दे दो RCA टू एम्प, योर सबवूफर एम्प, एंड देन टेक दैट आउटपुट लाइन आउट टू योर होम थिएटर, विच इज़ वॉट आई एम गोइंग टू डू विथ माई दिस सेटअप। ओके, आज के वीडियो में बस हम सबवूफर पे फोकस करेंगे, इसलिए मैंने लाइन आउट निकाला ही नहीं, मैंने वो होम थिएटर ऑफ रखा है, हम बस ये सबवूफर प्ले करके देखेंगे। इस सबवूफर को मैंने उस एम्प पे टेस्ट किया था, ओके, दैट इज 30 वाट RMS एम्पलीफायर, आप वो वीडियो देख सकते हो, और आज हम इस एम्प पे टेस्ट करेंगे, सेम फ्रिक्वेंसी स्विप टोन लम्बे लगा के टेस्ट करूँगा, और कुछ डीकैप सॉन्ग्स भी हम प्ले करेंगे। पहले तो मैं इसको पॉज करके कुछ हमिंग नॉइज़ है क्या वो टेस्ट करना चाहता हूँ। मैक्स गेन, थोड़ा सा माइन्यूट मुझे फील हो रहा है, लेकिन वो ऑडिबल नहीं है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। कौन मूवमेंट भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे हाथ को फील हो रहा है व्हेन आई एम एट मैक्स गेन, जो मैं कभी कर नहीं सकता, बिकॉज मैंने एक छोटी सी टेस्ट ली यहाँ पर, फ्री एयर टेस्ट, तो 25% से ऊपर मैं गेन बढ़ा नहीं पा रहा, इतनी पावर है इस एम्पलीफायर में। दिस इज 350 वाट RMS सबवूफर, ओके, जो एक्चुअल में ग्राउंड जीरो का क्लेम आपको पता है हमेशा कम रहता है, एक्चुअल में लोग इस पे 500 वाट RMS इजीली पुश कर रहे हैं। तो आप ऐसे ही पकड़ के चलो कि मैं 500 वाट RMS सबवूफर टेस्ट करने वाला हूँ। तो स्वीप टोन मैंने प्ले की है, स्लोली मैं गेन बढ़ा रहा हूँ, क्रॉस ओवर लगभग 100 हर्ट्स पे है, ऑसम। 25% भी मैं गेन नहीं किया अभी, तो बहुत ही स्मूथ है, आपको जो नॉइज आ रहा है वो मेरे वॉच का है।
देखो वाइब्रेशंस, और क्या चाहिए? एक देसी एम्पलीफायर, इतना स्मूथ क्लीन टोन निकल रहा है जो कि लो फ्रीक्वेंसी है, कंप्लीट लो फ्रीक्वेंसी, ट्रू। ठीक है चलो, ये ब्रांड न्यू सब ऑफर है, ज़्यादा इस पे मैं लोड नहीं दूंगा, कुछ डीकैफ सॉन्ग प्ले करता हूँ। सब ऊपर भी ये मस्त है। चलो अभी थोड़ा सा भूमि बेस मुझे फील हो रहा है, क्रॉसर को कम कर देते। ओके देखो, अभी ओनली लो फ्रीक्वेंसी। नो कंप्लेंट्स, वेरी नाइस परफॉर्मेंस। आई कैन डेफिनेटली फील दैट, सॉरी स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश अगेन। मुझे 100% लग रहा है कि जब मैं इसको किसी एनक्लोजर में फिट करूँगा मज़ा आने वाला है। अभी मुझे लग रहा है कि ड्यूअल सबवूफर वाला मॉडल लेना चाहिए था, बस 1000 रुपीज़ का डिफरेंस था। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी वो, इसीलिए मैंने नहीं लिया। क्रॉसओवर भी फुल्ली फंक्शनल है, बिल्कुल भी मुझे वोकल्स मतलब दूर दूर तक इसमें से नहीं आ रहे। जो भी एक एक्टिव सबवूफर में रहना चाहिए वो सब कुछ इस एम्पलीफायर में है। और एक्टिव सबवूफर में आपको लिमिटेशंस रहते हैं कि आप उसका कुछ मतलब R&D नहीं कर सकते, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जो सब ऑफर कंपनी ने दिया है, जो एनक्लोजर कंपनी ने दिया है, वही आपको यूज़ करना पड़ेगा, और उसमें जो भी परफॉर्मेंस मिलेगा उस पर आपको सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा। अभी इसमें मैं बहुत परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ। दिस एम्पलीफायर विल बी माई टेस्ट बेंच एम्पलीफायर। मैं बहुत सारे सब ऑफर चेंज करता रहता हूँ, टेस्ट करता रहता हूँ, रिव्यू करता रहता हूँ, तो मैं इसी एम पे करूँगा अभी सब।
तो केतन भाई मुझे बोल रहे थे इससे भी एक अपग्रेडेड वर्जन आने वाला है जिसमें और भी अच्छी पावर मिलेगी फॉर अ सिंगल चैनल। सो इट डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ गाइस फॉर द प्राइस। सिंगल चैनल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ड्यूअल चैनल वाला ही लेना। 1000 रुपीज़ का डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको 600 वाट RMS पावर मिलेगी। 2 सबवूफर लगाओ, एंजॉय करो। और अगर आप 2 सबवूफर नए भी लगाना चाहते तो मतलब फुल गेन पे आप यूज़ नहीं करना चाहते, कम गेन पे यूज़ करना चाहते हो, स्टिल नो प्रॉब्लम। गलती से मैंने गेन बढ़ा दिया, सबवूफर वॉज जंपिंग फ्रॉम इट्स पोजिशन। ओके, तो आप ड्यूअल चैनल यूज़ भी नहीं करना चाहते तो 2 सबवूफर लगाओ और उसको क्लीन लो गेन पे रखो। बहुत अच्छा, आपका एम भी खुश रहेगा और आपका अभी रिले ऑफ हो गया, मैं अभी बंद कर रहा हूँ एम को। मुझे ये देखना है कि कितने हीट है मॉस्फेट में। ओके, दे आर लिटल वार्म, हीट सिंक थोड़ा सा वार्म हुआ है। ओके, आई कैन टच देम, थोड़े से गर्म है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं टच कर पा रहा हूँ उन्हें, तो नथिंग टू वरी। और अच्छी प्लेसमेंट की है बैक साइड को हीट सिंक की, और वहाँ पर ही वेंटिलेशन दिया गया है। अगर एक फ़ैन होता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन कुछ R&D की होगी उन्होंने कि फ़ैन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए शायद ऐसा बनाया होगा। वैसे मॉस्फेट को हीट सिंक इज़ मोर देन इनफ, फैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, 2600 वैट क्या है? एम तो 300 वैट RMS है, अब अगर आप पीक भी डालोगे तो 600 इज़ ओके, मैक्स टू मैक्स 900 इज़ ओके, 1000 इज़ ओके, बट 2600, ये इफ़ यू हैव एनी आइडिया प्लीज़ कमेंट करना नीचे। और कोई टेक्नीशियन है जिसको इस पूरे कंपोनेंट का नॉलेज है, मैंने 4K वीडियो निकाली है, तो प्लीज़ व्यूवर्स के लिए आपके ऑनेस्ट कमेंट्स नीचे पोस्ट करना। और ये भी मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, ऐसे नहीं कि ये मेरा दोस्त है इसलिए मैं ऐसा रिव्यू दे रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अ डेमो प्रोडक्ट और फ्री प्रोडक्ट, मैंने ये परचेस किया है। ओके, ठंडे भी हो गए, मैंने ये खुद परचेस किया है इसलिए मैं हर एक प्रोडक्ट खुद परचेस करता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर स्पॉन्सर्ड नहीं आता इस चैनल पे, इसीलिए मैं हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। और अगर फ्यूचर में कुछ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आते भी हैं तो भी मैं हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। सो दैट वॉज माई रिव्यू ऑन दिस HSWA 300 4D फर्निशर्स सबवूफर एम्पलीफायर। तो ये डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास एक्टिव सबवूफर है, उसका एम्प खराब हो गया तो उसके रिपेयर पे जितना खर्चा आएगा उसमें तो आपको ये एम्प आ जाएगा। और उस पर आप बहुत अच्छे से ट्रायल एंड एरर करके अलग अलग प्रोडक्ट भी ट्राई कर सकते हो। सो रिकमेंडेड लोड आई बिलीव इज 4 ओम्स। ओके, इम्पीडेंस यहाँ पर दिया नहीं है, शायद 2 ओम्स भी इस पे चल जाए, बट आई विल नेवर ट्राई दैट बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप माई प्रोडक्ट सेफ एंड रिलायबल। लॉन्ग टर्म चलनी चाहिए चीज़, थोड़ी सी मस्ती के लिए आप किसी चीज़ की जान मत निकालो। अगर ये 2 ओम रिकमेंडेड नहीं है तो फिर मत यूज़ करो, और बहुत कम एम्पलीफायर्स रहते हैं जो 2 ओम कैपेबिलिटी रखते हैं। सो दैट वॉज माई रिव्यू, इन डेप्थ रिव्यू फॉर दिस एम्पलीफायर। डू आई रिकमेंड दिस? डेफिनेटली येस, आई रिकमेंड दिस ओनली फॉर सबवूफर पर्पज़। और आप ये स्पीकर के लिए मत लेना क्योंकि यहाँ पर देखो क्रॉस ओवर 150 को ही कट ऑफ होता है। दिस इज डिज़ाइंड स्पेशली फॉर सबवूफर, दिस इज़ नॉट फॉर नॉट मीन्ट फॉर स्पीकर्स। तो इसमें एक और मॉडल भी है, 4.1 मॉडल है मुझे लगता है, दैट इज़ ऑल्सो 300 वाट RMS। अगर आपको ये सब ऑफर एप्लीकेशन के लिए नहीं चाहिए, पूरा ओवरऑल होम थिएटर ही आपको बनाना है, देन यू कैन गो फॉर दैट मॉडल ऑल्सो। बट पता है आपको एक चीज़, मैं सीक्रेट बताता हूँ,
एम्पलीफायर का जो फॉल्ट है या फिर नॉइज़ है वो आपको स्पीकर में इजीली पकड़ में आएगा। सबवूफर में आपको एम्पलीफायर के फॉल्ट, डिस्टॉर्शन, नॉइज़ बिल्कुल पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए जो चाइनीज़ फालतू एम्पलीफायर रहते हैं, इंटरफायर और वो शिकागो कार ऑडियो में बहुत चल रहे वो एम्पलीफायर, लोगों को लगता है वो बहुत अच्छे हैं, उनमें बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है, लेकिन उनको ये पता नहीं। नॉइज़ आपको तभी पता चलेगी जब आप उसको स्पीकर पे टेस्ट करोगे, फुल रेंज फुल फ्रिक्वेंसी स्पीकर, उसमें अगर क्लैरिटी मिल रही है, डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा, तो फिर वो एम्पलीफायर के फिल्टर आउटपुट्स बहुत अच्छे हैं। सब ऊपर के लिए बहुत से मैन्युफैक्चरर्स आउटपुट फिल्टर्स लगाते ही नहीं है, जैसे मतलब चाइनीज़ एम्पलीफायर्स, तो इसीलिए आपको सब ऊपर में वैसा नॉइज़ नहीं पता चल सकता। इसीलिए सब ऊपर के लिए मैंने ये रिस्क ले ली देसी एम्पलीफायर लेने की। लेकिन अगर मुझे स्पीकर्स वगैरह हाई क्वालिटी म्यूज़िक के लिए कुछ चाहिए, स्पीकर्स में से डिस्टॉर्शन इमिजिएटली आपको पता चलता है कि स्पीकर्स में से डिस्टॉर्शन आ रहा है, सबवूफर में से डिस्टॉर्शन आपको पता नहीं चलेगा इतना इजीली। तो स्पीकर्स का डिस्टॉर्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इनफैक्ट मुझे कोई भी डिस्टॉर्शन पसंद नहीं है। हाई क्वालिटी प्रीमियम साउंड, रिच साउंड आना चाहिए, तभी उसमें मज़ा आता है। ऐसा बूम बूम फेक बेस में कुछ भी मज़ा नहीं है। अगर आप बोट वगैरह, फ्लो बीट्स, ऐसे घटिया ब्रांड के शौकीन हो तो आप घटिया म्यूजिक सुन रहे हो, आपको ट्रू बेस पता ही नहीं है क्या होता है। ठीक है, मैं किसी के इमोशंस को हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े हैं मेरे चैनल पे कि वो JBL को फ्लो बीट्स वगैरह ऐसे ब्रांड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मतलब क्या बोलूँ मैं, देसी ब्रांड विल बी देसी एंड यूज़ एट राइट पर्पज़। जब अगर आपका पर्पज़ सही है, जैसे कि मेरा पर्पज़ है, मैं सब ऑफर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और ये वैसे देसी भी नहीं बोला जा सकता क्योंकि मॉस्फेट्स आर मेड इन जापान, सो मॉस्फेट पे ही पूरा खेल चलता है मैक्सिमम। तो स्टिल आई विल कॉल इट देसी बिकॉज दिस इज़ मेड इन इंडिया एंड सब ऑफर के एप्लीकेशन के लिए मैंने लिया है, इसलिए आई एम सेफ। लेकिन अगर आप इसको किसी भी घटिया ब्रांड से कंपेयर करोगे तो फिर वो मत करना। एंड लेट मी टेल यू, बोट, फ्लो बीट्स, ऑल दिस ब्रांड्स आर प्योरली मेड इन चाइना। बोट तो प्योरली मेड इन चाइना है, वो बस वाइट लेबलिंग मार्केटिंग करते हैं और यहाँ पर लोगों को लगता है कि वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और वो लेते हैं पागलों की तरह। सो दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है डायरेक्ट कमेंट्स ड्रॉप करो। मैं सॉरी फॉर दिस लेंदी वीडियो, लेकिन हिंदी में जब वीडियो बनानी पड़ती है तो ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो। स्टे ट्यून, लिव लाउड।